इस भारतीय योद्धा ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक के उड़ान दिए थे, पर खर्चे बेरंग लौटना पड़ा था स्वदेश। आज के आर्टिकल में हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा के बारे में बताने वाले हैं, जिसको एक भारतीय योद्धा ने धूल चटाई थी। इतिहास में देखा जाए तो कई योद्धा आपको देखने को मिल जाएंगे जिसने दुनिया में जन्म लिया है, लेकिन आज हम उनको उस वीर योद्धा के बारे में बताने वाले हैं जो भारत का था और उसने एक शक्तिशाली योद्धा को हराया था। दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा के रूप में सिकंदर का नाम था, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया था। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम राजा पोरस था। इसी ने राजा सिकंदर को युद्ध में पराजित किया था। राजा पोरस ने शक्तिशाली धुरंधर सिकंदर को युद्ध में हरा दिया था। जब सिकंदर को भारत के अमेरिकी के बारे में पता चला था, तब उसने भारत पर आक्रमण कर डाला था। तब ही तक्षशिला और अभिसार जैसे राजाओं ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन राजा पोरस बिल्कुल भी इसके अधीन नहीं हुए थे और उसको चुनौती दे दी थी। इन दोनों बीच में युद्ध जिसमें कई सैनिक मारे गए, उसके सामने सिकंदर को घुटने टेकने पड़े थे। राजा पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर ने उनसे दोस्ती कर ली। फिर सिकंदर वापस अपने देश जाने के लिए राजी हो गया। इस दोस्ती में सिकंदर ने राजा पोरस को कई उपहार भेंट में दिए। इनकी दोस्ती काफी जबरदस्त थी।